ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की प्रेगनेंसी की खबर से मचेगा नया हंगामा। क्या सच में प्रेग्नेंट है नायरा? वह इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले शो का एक छोटा सा रिकैप जान लीजिए। फिलहाल शो में अनमोल मानसी की सगाई का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जहां एक तरफ तो एंगेजमेंट में भी कार्तिक और नायरा के बीच आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला जारी है, तो वहीं अब स्वर्णा ने कार्तिक की दोस्त आशी की एंट्री भी करवा दी है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि कार्तिक और नायरा डिवोर्स लेने वाले हैं, तो ऐसे में आशी की एंट्री शो की कहानी को कौन सी दिशा दे सकती है, ये भी अब हमें बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो शो के आने वाले एपिसोड में आप सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट देखेंगे, जब नायरा के प्रेग्नेंट होने के बाद से नया हंगामा शुरू होगा। जी हाँ, दरअसल दादी को ये पता चलेगा कि कार्तिक और नायरा एक हॉस्पिटल पहुँचे हैं। अब दादी को ये लगेगा कि कहीं नायरा प्रेग्नेंट तो नहीं, जबकि सच ये है कि कार्तिक और नायरा मानसी की प्रेगनेंसी की बात छुपाने की कोशिशों में हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अपनी बात को कंफर्म करने के लिए दादी भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगी, और यहाँ दादी को लगेगा कि नायरा सच में प्रेग्नेंट है, और फिर ये जानकर वो काफी खुश हो जाएंगी कि भले ही कार्तिक और नायरा 2 साल से एक दूसरे से दूर हों, लेकिन अब दोनों के बीच की ये दूरियां मिटने लगी हैं। जबकि ट्विस्ट ये है कि दादी ये बात नहीं जानती कि नायरा नहीं बल्कि मानसी प्रेग्नेंट है। अब दादी की यही मिसअंडरस्टैंडिंग शो में नया ब्लंडर क्रिएट करेगी। जहां नायरा कार्तिक ये रिवील नहीं कर पाएंगे कि मानसी प्रेग्नेंट है, तो वहीं नायरा की प्रेगनेंसी शो में नया हंगामा करेगी। अब देखते हैं कि इस नई प्रॉब्लम से कार्तिक और नायरा कैसे बाहर निकलेंगे। क्या ये ब्लंडर कार्तिक और नायरा के बीच प्यार की नई नींव रखेगा? वाली देखना काफी मजेदार होगा।